महाराष्ट्र में सोमवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढह गई। इसका उद्घाटन 8 महीने पहले ही हुआ था। घटना के बाद कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के मौके पर सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में 35 फुट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था। हवा की तेज जो है लहर है जो यहाँ पर 45 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से वहाँ हवा तेज चली और वहाँ पर जो स्टेचू है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, वो नेवी ने बनाया था, उसका डिजाइन भी नेवी ने किया था। ये दुर्भाग्यवश शिवाजी महाराज का स्टैचू गिर गया है। अभी हमारे वहाँ मंत्री और पालक मंत्री रविंद्र चौहान वहाँ गए और पूरा जायजा ले रहे, और वहाँ कलेक्टर से मेरी बात है, डिविजनल कमिश्नर तो मेरे साथ है यहाँ पर, और ये जल्द से जल्द हम तुरंत, वो कल नेवी के ऑफिसर भी आएंगे, हमारे ऑफिसर आएंगे और जल्द उसको वापस हम तेजी से छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टेचू बहुत ही मजबूती से खड़ा करेंगे। भारतीय नौसेना के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम 8 सितंबर 2023 को शुरू हुआ था। कॉन्ट्रैक्टर जयदीप आप्टे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई थी। इसमें टक्कर मारने, धोखाधड़ी करने और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप लगाए गए हैं। लोक निर्माण विभाग का कहना है कि प्रतिमा बनाने में घटिया मटेरियल और जंग लगे नट और बोल्ट का इस्तेमाल कर कानून को तोड़ा गया। So either it can be the failure of the, you know, subsoil or the strata on which the sculpture and the pedestal was based, or it can be the pedestal which was badly designed, or thirdly it can be the statue itself. Apart from this, it can be the due to the material also which was not used as per the site specific requirements. विपक्षी दलों का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिमा की क्वालिटी की अनदेखी की। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस घटना के लिए तेज हवाओं को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन आगे की जांच की जरूरत पर जोर दिया। CM शिंदे ने भरोसा दिया कि महाराष्ट्र सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को उसी जगह पर दोबारा लगाएगी जहां वो लगी हुई थी। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों के लिए इस स्मारक की अहमियत भी बताई।